हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू न्यू ईयर के साथ ही आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टडी लॉन्च करने वाले हैं जो होगा लिपिड बायोकेमिस्ट्री पर आज से हम स्टार्ट करेंगे लिपिड बायोकेमिस्ट्री अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट बायोकेमिस्ट्री ऑलरेडी स्टडी कर चुका है कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट बायोकेमिस्ट्री हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स स्टडी किए थे कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने डिफरेंट पार्ट्स में कंप्लीट होता है लिपिड बायोकेमिस्ट्री भी जनरली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दि में कंप्लीट होगा वो डिफरेंट पार्ट्स क्या होंगे स्टेप बाय स्टेप आपको आते जाएंगे आज का जो वीडियो होगा वो लिपिड्स के बिल्कुल बेसिक पार्ट को कवर करेगा कि बेसिक ऑफ लिपिड्स क्या होता है वीडियो से रिलेटेड जहां पर भी आपको डाउट्स है आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके या आपके डाउट्स का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन मिल सके चले स्टार्ट करते हैं लिपिड्स लिपिड्स के, के केस में कहा जाता है हम हमारे डे टू डे लाइफ में जानते हैं फेड्स हो गए फेड्स ऑयल वैक्स ऑयल क्सेस ये सब किसका पार्ट है जनरली लिपिड्स का पार्ट है लिपिड्स का बेसिक पार्ट है सिंपलेस्ट लिपिड्स होते हैं लिपिड्स के केस में कहा जाता है कि लिपिड एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो वाटर में तो इनसॉल्युबल होता है बट अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन ईथर क्लोरोफॉर्म उसमें सॉल्युबल होता है लिपिड के केस में क्या जा, कहा जाता है वाटर इनसॉल्युबल है लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल बट अदर जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं लाइक बेंजीन ईथर क्लोरोफॉर्म इन सब में कैसा होता है वो सॉल्युबल होता है उसमें कैसा है बेसिकली सॉल्युबल होता है लिपिड्स के केस में लिपिड्स के केस में कहा जाए अब लिपिड्स होते तो ये ठीक है हमें ये पता पड़ गया कि लिपिड्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वाटर इन होता है अदर ऑर्गेनिक सोलवेंट में वो सॉल्युबल होता है बट लिपिड्स की बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होती है उस पर फोकस करते हैं कि लिपिड बिलकर किससे होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिपिड की बेसिक स्ट्रक्चर लिपिड के केस में कहा जाता है कि लिपिड जब ग्लिसरॉल और फेटी एसिड्स आपस में ईस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़ते हैं या एक दूसरे से स्टेफाइड हो जाते हैं तब वो लिपिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं कैसे करेंगे बेसिक एग्जाम्पल देखिए ये हो गया आपका ग्लीसरोल 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 के स्ट्रक्चर सी एच टू एच सी एच ओ एच सी टू एच ये ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर है प्लस फैटी एसिड आर सी डबल ओ एच प्लस फैटी एसिड आपस में मिलेंगे तो ये एक दूसरे से ईस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे किस के थ्रू जुड़ेंगे ईस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे ईस्टर एंजाइम की प्रेजेंस में ईस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे मतलब वाटर का रिमूवल होगा वाटर का रिमूवल रिमूवल होगा थ्री एच रिमूव हो जाएगा ओ एच प्लस एच आपस मिलके थ्री एच रिमूव हो जाएगा और आर मतलब फैटी एसिड के कितने कंपोनेंट होंगे थ्री ये फैटी एसिड्स आपस में मिलेंगे और सी एच टू ओ सी डबल बन ओ आर सी एच ओ सी डबल बन ओ आर सी एच टू ओ सी डबल बन ओ आर ठीक है ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे जो कि क्या होगी ट्राई ट्राइग्लिसराइड ट्राइ ये क्या है बेसिकली आपके फैटी एसिड ये किसकी स्ट्रक्चर है फैटी एसिड फैटी एसिड्स की स्ट्रक्चर है और ये क्या होगा आपके पास ट्राई एसाइल ग्लीसरॉल ट्राई एसाइल ग्लीसरोल या ट्राई एसाइल ग्लीसराइड ट्राई ग्लिसराइड ट्राई ग्लीसराइड की स्ट्रक्चर है ये जिसे आप क्या कहोगे लिपिड बेसिकली किसकी स्ट्रक्चर है लिपिड इसके बीच में बॉन्ड किसका फॉर्मेशन हुआ है ईस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन हुआ है किसके थ्रू वाटर का रिमूवल हुआ है अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि किल तो हमें समझ में आ गया एक एल्कोहलिक कंपाउंड है थ्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसमें एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है ठीक OH है ओ एज ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है बट फेटी एसिड्स क्या है फेटी एसिड्स के बारे में तो लिपिड पढ़ने से पहले हम फेटी एसिड का बेसिक पढ़ेंगे कि फेटी एसिड्स होते क्या है Acids, में कहा जाता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जिसमें ग्रुप प्रेजेंट होता है अब फैटी एसिड को आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बट उसका बेस अलग होगा फैटी एसिड्स आपने सुने होंगे सेचुरेटेड होते हैं अनसेचुरेटेड होते हैं नॉन एसेंशियल होते हैं ऑड नंबर के होते हैं इवन नंबर के होते हैं तो ये सब डिपेंड करता है कि आप किसके बेसिस पे फैटी एसिड्स को डिवाइड कर रहे हो उसके नंबर ऑफ कार्बन चेन के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो उसकी बॉडी में सिंथेसिस के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो यदि आप उसको बॉडी में सिंथेसिस के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो तो वो इसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स होंगे ठीक है यदि आप उसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है तो कार्बन चेन के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो तो फैटी एसिड्स टू टाइप के होते हैं सबसे पहले समझिए क्या है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग सी डब्लो एच ग्रुप कंटेनिंग लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जिसमें जनरली कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे सी फोर से लेके सी थर्टी सिक्स तक मोस्टली अराउंड थर्टी सिक्स तक कार्बन आइटम प्रेजेंट हो सकते हैं इतनी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होगी जिसमें क्या हो प्रेजेंट होगा बट कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए वही क्या होंगे आपके फेटी एसिड्स होंगे ठीक है एसिड के के बेसिक स्ट्रक्चर बारे में कहा जाए तो फेटी एसिड्स के केस में कहा जाता है यदि फेटी एसिड्स में कोई डबल बॉन्ड -bon नहीं है यदि फेटी एसिड के स्ट्रक्चर में कोई भी डबल बॉन्ड -bon नहीं है तो वो फेटी एसिड्स कैसे कहलाते हैं एसिड 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 सेचुरेटेड फैटी एसिड सेचुरेटेड फेटी एसिड अनसे आज का वीडियो बिल्कुल बेसिक पार्ट पे चलेगा ध्यान से समझिएगा वो फैटी एसिड जिसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा जितने भी कार्बन होंगे सब सिंगल बॉन्ड के थ्रू एसोसिएट होंगे सब सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे वो फैटी एसिड्स कहलाएगा सेचुरेटेड फैटी एसिड्स ठीक है वो फैटी एसिड्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो फैटी एसिड्स कहलाएगा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। सेचूरेटेड और अनसेचुरेट बहुत ही बेसिक पर, समझ रहे हैं अब अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं हो सकता है मोनो अनसेचूरेटेड एसिड और पोली अनसेचूरेटेड एसिड पॉली अन एसिड मोनो केवल सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो क्या हो केवल पूरी कार्बन चेन के बीच में एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो वो क्या कहलाएंगे मोनो अनसेचुरेटेड फेटी एसिड पोली अनसेटेड फेटी एसिड वो फैटी एसिड जिनमें कार्बन कार्बन चेन के बीच में मोर देन टू दो से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो वो कहलाएंगे पोली अनसेचुरेटेड फेटी एसिड प्यूफा पॉली अनसेचुरेटेड फेटी एसेड्स एमयूएफ ए मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हार्ट स्ट्रोक में भी फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हार्ट स्ट्रॉक हो जाता है ब्लॉक्स हो जाते हैं उसमें फेटी एसिड्स का मेजर रोल होता कहा जाता है जनरली पोलियनसेचरेटेड फेटी एसिड इसका हम पूरा नॉमन क्लेचर पढ़ेंगे पॉमेटिक एसिड्स क्या होता है ओलेक एसिड क्या होता है लिनोनिक एसिड लाइनोलेनिक एसिड क्या होता है अरेकिडोनिक एसिड क्या होते हैं सब पढ़ेंगे हम फेटी एसिड्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स में अभी आप ध्यान से समझिए लिपिड्स क्योंकि हमने स्टार्ट किया था लिपिड से लिपिड मिलकर बना होता है ग्लीसरोल और फेटी एसिड से लिपिड के स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि उसकी एसिड से मिलकर बनी हुई थी तो अब हमारा यहाँ क्वेश्चन था कि फेटी एसिड्स क्या होते हैं तो फेटी एसिड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जिसमें क्या प्रेजेंट होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा हो सकती है वो कार्बन चेन सिंगल सिंगल बॉन्ड के थ्रू एसोसिएटेड हो तो उसको क्या कहेंगे सैचुरेटेड हो सकता है वो कार्बन चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं तो उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाएगा इसका पूरा एक फ्लो चार्ट आएगा आपके पास उस फ्लो चार्ट के तो आपको बहुत ईजी होगा किस पोजिशन पे डबल बॉन्ड होंगे नोमन कैसा होगा किसके थ्रू उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है अब ये हमने देखा कि लिपिड्स कैसे जुड़ा होता है फैटी एसिड्स कैसे होते हैं जनरली ये देखा अब इसको एक बेसिक मैं आपको बताती हूँ तो प्यूफा के केस में पोली के केस में जो पोली अनसेचुरेटेड फेटी होते हैं उन पोली अनसेचुरेटेड फेटी में एक बेस्ट एग्जाम्पल है ओमेगा थ्री और ओमेगा सिक्स ओमेगा थ्री और ओमेगा सिक्स ओमेगा सिक्स ये ओमेगा पोजीशन के अकॉर्डिंग कहा जाता है जब थ्री और फोर्थ पोजीशन में होगा डबल बॉन्ड तो ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स सिक्स टू सेवन कार्बन एटम के बीच में कहाँ से मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कार्बन चेन में कहाँ से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला एंड होगा एक मिथाइल ग्रुप वाला एंड होगा तो ओमेगा की पोजिशन कहाँ से होगी तो मिथाइल ग्रुप के साइड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साइड से नहीं बोल रहे हैं। हम हम किसके साइड से बोल रहे हैं मिथाइल ग्रुप के साइड से जब काउंटिंग करेंगे तो थ्री और फोर के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो ओमेगा थ्री और ओमेगा सिक्स मतलब सिक्स और सेवन कार्बन के बीच में ओमेगा थ्री और ओमेगा सिक्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं यदि इनमें डिस्टर्ब हो जाता है इनके रेशियो में इनका रेशियो जनरली होता है वन इज टू वन या वन इज टू फोर के रेशो में चलता है यदि इस रेशियो में डिस्टरबेंस हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो हार्ट स्ट्रोक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ओमेगा थ्री और ओमेगा सिक्स के रेशो में यदि डिस्टर्बेंस हो जाए ठीक है अब बात करते हैं कि लिपिड्स कैसे बनेंगे लिपिड्स की क्या क्या डिफरेंट हो सकती है हमने अभी देखा कि सिंपल लिपिड्स और आपके फेटी एसिड आपस में मिलेंगे और लिपिड का फॉर्मेशन सॉरी ग्लिसरॉल और फेटी एसिड आपस में मिलेंगे और लिपिड का फॉर्मेशन करेंगे बट कैसे हो सकता है जब ग्लिसरॉल सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच और सी एच टू ओ एच जब ग्लिसरॉल और फेटी एसिड आपस में मिल रहे हैं जब एक फेटी एसिड आपस में मिलेगा जब जिसका फॉर्मेशन होगा तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा लिपिड का लिपिड का कैसा होगा सिंपल फॉर्म सबसे सिंपल फॉर्म है जिसमें क्या होगा ग्लीसरोल और फैटी एसिड्स आपस में मिलेंगे और लिपिड का फॉर्मेशन करेंगे जब ये फैटी एसिड्स की जगह जब इस फैटी एसिड्स की जगह दो डिफरेंट डिफरेंट फैटी एसिड्स फेटी दो या तीन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ये R1 हो R1, ग्रुप जुड़ जाते हैं मतलब अलग अलग फैटी एसिड्स आपस में बाइंड होते हैं तब वो किसका फॉर्मेशन होगा मिक्सड लिपिड का ये सिंपल लिपिड सिंपल लिपिड्स जिसमें क्या होगा एक सिंगल फैटी एसिड्स ही ग्लिसरॉल से रिएक्ट करेगा और ट्राई ग्लिसरॉल क्या या का या ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करेगा मिक्स्ड लिपिड जिसमें अलग अलग फैटी एसिड्स किससे जुड़ेंगे ग्लिसरॉल से जुड़ेंगे ग्लिसरॉल के ओ एच ग्रुप से जुड़ेंगे सी एच ओ एच और सी एच टू ओ एच अलग अलग ग्रुप से जुड़ेंगे और तब जो ट्राई ग्लिसराइड बनेगा या ट्राई ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड बनेगा वो मिक्स्ड लिपिड का फॉर्मेशन होगा सी एच टू ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर वन सी एच ओ सी डबल बोन ओ आर टू सी एच टू ओ सी डबल बोन ओ आर थ्री तो ये किसका फॉर्मेशन है मिक्सड लिपिड का और जनरली ये किसका होगा यहाँ पर सी एच टू ओ सी डबल बोन ओ आर वन क्योंकि यहाँ पर तीनों कंपोनेंट कैसे थे बेसिकली उसी सिंपल लिपिड कैसे सी एच ओ सी डबल बोन ओ आर वन सी एच टू ओ C डबल बॉन्ड O R1 मतलब यहाँ कैसा है ये सिंपल लिपिड है जिसमें एक ही फैटी एसिड ने रोल प्ले किया है ये मिक्स्ड लिपिड है जिसमें थ्री एसिड्स ने रोल प्ले किया है तो ये कुछ बेसिक है लिपिड्स क्या होते हैं लिपिड बायोकेमिस्ट्री और एक बात बता दें हम फर्स्ट वीडियो कवर करेंगे फेटी एसिड्स पे हमारा आने वाला वीडियो होगा फेटी एसिड की डिटेल लिपिड्स का पार्ट वन क्या क्या वीडियो कैसे चलेंगे मैं आज आपको उसका क्लासिफिकेशन बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप आज का वीडियो टोटल बेसिक वीडियो है और आउटलाइन है आपके आने वाले वीडियो के लिए पार्ट फर्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कैसे क्लेचर होता है उसका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट फेटी एसिड्स के पार्ट वीडियो होगा आपका सेकंड वीडियो बेस्ड होगा फेटी एसिड के बाद क्लासिफिकेशन लिपिड का क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ अ लिपिड्स मतलब सिंपल लिपिड क्या होता है कंपाउंड लिपिड क्या होता है डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं वो स्टडी करने वाले हैं पार्ट थ्री होगा कंपाउंड लिपिड पे क्योंकि पार्ट टू में ही हम सिंपल लिपिड और क्लासिफिकेशन एंड सिंपल लिपिड्स पढ़ लेंगे सिंपल लिपिड्स पार्ट टू वीडियो में ही हो जाएगा पार्ट थ्री वीडियो होगा कंपाउंड लिपिड पे कंपाउंड एंड कंपाउंड लिपिड बड़ा है क्योंकि हमें फॉस्फोलिपिड्स पढ़ना है ग्लाइकोलिपिड्स फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स क्या होते हैं उसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं वो सब हम कंपाउंड लिपिड्स में पढ़ेंगे कंपाउंड लिपिड्स यही मेन पार्ट है कंपाउंड लिपिड्स ही कि कैसे अलग अलग फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं उसका बेसिकली अलग अलग सेरिब्रोसाइड्स गैंग्लियोसाइड्स क्या होते हैं ये सब की स्ट्रक्चर डिटेल स्टडी हम करेंगे कंपाउंड लिपिड्स में ठीक है तो यदि ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए कि हाँ हमें आउटलाइन आगे आने वाले वीडियोस क्या होंगे बेसिक वीडियोस की स्टडी क्या होगी बेसिक लिपिड्स क्या होते हैं यदि हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें थैंक यू